दोस्तों एमए प्राइवेट के रिजल्ट को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। एमए प्राइवेट का रिजल्ट जारी हो गया है। जी हाँ दोस्तों, एमए प्राइवेट का रिजल्ट जारी हो गया है। एमए प्राइवेट फर्स्ट ईयर और एमए प्राइवेट सेकंड ईयर दोनों ही ईयर का रिजल्ट जारी हो चुका है प्राइवेट वालों का। तो एमए फर्स्ट ईयर और एमए सेकंड ईयर ये दोनों ही स्टूडेंट्स अब अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। रिजल्ट जारी हो गया है। रिजल्ट चेक कहाँ से करना है, कैसे करना है, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बताते हैं कि रिजल्ट किस प्रकार से आपको चेक करना है। तो स्क्रीन पे आप लोग देखेंगे वेबसाइट रहेगी ये, इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लोग इस वाले पेज पर आ जाएंगे। इस वाले पेज पर आ जाने के बाद में आपको सबसे पहले रिजल्ट टाइप में जाना है और यहाँ से मेन रिजल्ट सेलेक्ट करना है। एकेडमिक सेशन में जाना है, यहाँ पर 2023-24 सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट डिग्री टाइप में एनुअल सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट कोर्स में आपको पीजी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में व्यू का बटन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख पाएंगे एमए ईयरली फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस, एमए पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट आ गया है, एमए फाइनल ईयर होम साइंस। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का नाम अलग अलग दिया गया है, बाकी सभी सब्जेक्ट का लगभग रिजल्ट आ गया है। मैथमेटिक्स, ड्राइंग एंड पेंटिंग, ज्योग्राफी, संस्कृत और नीचे देखें फिलोसफी और पर्शियन, उर्दू, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, सभी का रिजल्ट आ गया है फाइनल ईयर वालों का और फर्स्ट ईयर वालों का भी आ गया है। फर्स्ट ईयर कहाँ पर है, फर्स्ट ईयर देखें एमए प्रीवियस ईयर हिंदी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स एजुकेशन, प्रीवियस मतलब फर्स्ट ईयर, फाइनल मतलब सेकंड ईयर। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के साथ में सेकंड ईयर का रिजल्ट भी आ गया है। यूनिवर्सिटी है MJPRU, आपकी कोई और यूनिवर्सिटी हो तो कमेंट में बता सकते हैं। CCSU का भी बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, फिलहाल MJPRU के छात्र यहाँ पर देख लें, आपका रिजल्ट जारी हो चुका है फर्स्ट ईयर वालों का भी और सेकंड ईयर वालों का भी, सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, प्राइवेट का ये रिजल्ट है, ये फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है प्रीवियस और ये सेकंड ईयर का रिजल्ट है फाइनल मतलब। तो सभी छात्र अपना रिजल्ट चेक कर लेंगे। इसके अलावा MSc का रिजल्ट भी आ गया है, MSc फाइनल और फर्स्ट ईयर वाला। ठीक है, तो अब आपका रिजल्ट आपको चेक कैसे करना है। मान लीजिए आपका रिजल्ट एमए सोशियोलॉजी का है फाइनल ईयर का, तो इस पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर डालना है। इसके बाद में जो भी नंबर आपके सामने है उनको जोड़कर यहाँ पर डालना है और गेट रिजल्ट पर आपको क्लिक कर देना है। सिंपल, जैसे आप लोग यहाँ पर रोल नंबर और इन नंबरों को जोड़कर डाल के गेट रिजल्ट पर आप लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार से आपको जो रिजल्ट होगा आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। फिर इसके बाद में इसको ओपन कैसे करना है, तो ओपन करने के लिए आप लोगों के फ़ोन में माय फाइल्स या गैलरी वगैरह जो भी हो उसको ओपन करें। इसके बाद में डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में जाएं। इसके बाद में जो लेटेस्ट रिजल्ट होगा वही आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग अपने रिजल्ट को निकाल सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको आपका रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। एमए फर्स्ट ईयर एमए सेकंड ईयर के सभी छात्र इस प्रकार से अपना रिजल्ट निकाल लें। बाकी जिस भी कोर्स का रिजल्ट रहेगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको भी आपके रिजल्ट की जानकारी इसी प्रकार से हम प्रोवाइड करा देंगे। कोई और यूनिवर्सिटी आपकी हो तो आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो सभी दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अधिक जानकारी के लिए, आगे की अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।